नमस्कार किसान भाई, बात करेंगे आज, जानेंगे राजस्थान के सभी अनाज मंडियों के ताजा भाव, आज के मंडियों के फसलों के ताजा भाव, क्या रहा फसलों के ताजा भाव, यानी 21 फरवरी 2024 राजस्थान अनाज मंडियों के प्रमुख कृषि उपज मंडियों के ताजा भाव शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मेड़ता मंडी, तो मेड़ता मंडी में अधिकतम मूंग बोली के भाव रहा 9000 रुपये और मूंग 100 रुपये की गिरावट की। एवरेज मूंग की बात करें तो 8200 और जो अच्छी मूंगफली है 9000 रुपये तक बिके। चने का अधिकतम भाव रहा 5700 रुपये तक। सिंधी सुबह का भाव रहा 11700 रुपये। सौंप का अधिकतम भाव रहा 12200 रुपये। साथ ही जीरे का अधिकतम भाव रहा 32000 रुपये, यानी आज जीरे के भाव 2000 रुपये उछाल आया। एवरेज जीरे की बात करें तो एवरेज जीरे के भाव है 24000 से लगाकर 27500 रुपये तक रहा। मेड़ता मंडी में अधिकतम गंवार का भाव रहा 5160। चातिर सरसों का भाव रहा 4450 रुपये तक। 50 रुपये में वापस सरसों के भाव में उछाल लाया। तारामीरा का अधिकतम भाव रहा 4872 तक। इसबगुल का अधिकतम भाव रहा 14500 रुपये। असालिया का भाव रहा 9700 रुपये। ज्वार का अधिकतम भाव रहा 3750 और मेथी का भाव रहा 5600 रुपये। बाजरा का भाव रहा 2275। चावला बिका 7650। मोट का भाव रहा 5600 रुपये। किसान भाई बात करें नागौर की मंडी, नागौर की मंडी में जीरे के भाव में वापस सुधार हुआ। 31100 रुपये तक भाव रहा और गंवार का अधिकतम भाव रहा 5071 रुपये। मूंग बिके 9145 रुपये। सौंप का भाव रहा 10500 रुपये। इसबगुल का भाव रहा 17500। तिल का भाव रहा 13200। ज्वार का भाव रहा 3850। सरसों का भाव रहा 4700 रुपये। तारामीरा का भाव रहा 4850। जौ के भाव रहा 1700। चना का भाव रहा 5200। मेथी का भाव रहा 5600। मोट का अधिकतम भाव रहा 5800 रुपये। किसान भाई वापस बात करें नौखा मंडी, नौखा मंडी में अधिकतम गंवार बिका 5060। जीरा बिका 29100 रुपये। मूंग बिके 8500। इसबगुल बिका 14900 रुपये। तेल का भाव रहा 13300। सरसों बिकी 4980। तारामीरा का भाव रहा 5023। चना बिका 5450। मेथी का भाव रहा 5800। मोट का भाव रहा 5600। बाजरा बिका 2200। मूंगफली बिकी 6200 रुपये। किसान भाई बात करें बीकानेर की मंडी, तो गंवार बिका 5090। मोट का भाव रहा 5800 रुपये। मूंगफली का भाव रहा 6400 रुपये। चना का अधिकतम भाव रहा 5500 रुपये। तिल का अधिकतम भाव रहा 13500। सरसों का अधिकतम भाव रहा 4880। साथ ही जीरा का अधिकतम भाव रहा 29200। इसबगुल का अधिकतम भाव रहा 15000। तारामीरा का अधिकतम भाव रहा 5000 रुपये। मेथी का अधिकतम भाव रहा 5700 रुपये और मूंग अधिकतम बिका 8500। गेहूं का अधिकतम भाव रहा 2500 रुपये। किसान साथियों बात करें डेगाना मंडे, तो अधिकतम मूंग बिके 8560। जवार बिकी 3800 रुपये। चना का भाव रहा अधिकतम 5500 रुपये। बाजरा का अधिकतम भाव रहा 2250 तक। गंवार अधिकतम बिका 5040 रुपये। तारामीरा का अधिकतम भाव रहा 4900 रुपये। सरसों का भाव रहा 4970 रुपये। भिलाड़ा मंडी की बात करें, तो भिलाड़ा मंडी में मूंग बिके अधिकतम 8500 रुपये। सौंप का अधिकतम भाव रहा 10000 रुपये। कपास का अधिकतम भाव रहा 6900। अधिकतम गंवार बिका 5070। जीरा बिका अधिकतम 23000 रुपये। इसबगुल का भाव रहा अधिकतम 15000। रायडा का अधिकतम भाव रहा 4900 रुपये। बाजरी का अधिकतम भाव रहा 2260। ज्वार का अधिकतम भाव रहा 3900 रुपये। चना का अधिकतम भाव रहा 5400 रुपये। तेल का अधिकतम भाव रहा 13300। गेहूं का अधिकतम भाव रहा 2600 रुपये। तारामीरा का अधिकतम भाव रहा 5000। जौ का अधिकतम भाव रहा 1800 रुपये। मेथी का अधिकतम भाव रहा 5700 रुपये। मोट का अधिकतम भाव रहा 5750 रुपये। तो किसान भाई बात करें जोधपुर मंडी, जोधपुर मंडी में अधिकतम मूंग का भाव रहा 8600 रुपये। सौंप का भाव रहा 10300। मूंगफली बिकी अधिकतम 5400 रुपये। कपास का भाव रहा 6900। गंवार बिका 5000 रुपये। जीरा बिका 23700 रुपये। इसबगुल का भाव रहा 14900। रायडा बिका 4900 रुपये। ज्वार का अधिकतम भाव रहा 3740 रुपये। चना का अधिकतम भाव रहा 5500। तिल का भाव रहा अधिकतम 13300। गेहूँ बिका 2600 रुपये। तारामीरा बिका 4900 रुपये। जो बिकी 1700 रुपये। मेथी का भाव रहा 5800 रुपये। मोट का भाव रहा 5730। बाजरी का भाव रहा 2220। धनिया बिका अधिकतम 5000 रुपये।
बात करें फलौदी मंडी, फलौदी मंडी में चना का भावरा 5460, मूंगफली बिकी 6000 रुपये, मूंग का भावरा 8400, गंवार बिका 4490, रायड़ा बिका 4900 रुपये, कपास बिकी 6900, बाजरी का भावरा 2241, जीरा बिका 28900, गेहूँ बिका 2550, तारामीरा बिका 4576, अरंडी का भावरा 12000, इसबगुल का भावरा 14800 रुपये, सौंप बिकी 9900 रुपये, मेथी का भावरा 5800, जमार बिकी 3900 रुपये। ओसिया मंडी की बात करें तो गमार बिका 5050, जीरा बिका 28700 रुपये, चना बिका 5440 रुपये, मेथी का भावरा 5800, रायड़ा बिका 4830, इसबगुल बिका 14800 रुपये, सौंप का भावरा 9900 रुपये। राजस्थान टॉप बड़ी अनाज मंडी ताजा भावों की जानकारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।